बनारस से हमने कई ऐसे एक्टर्स को अपनी फिल्म में कास्ट किया, तो हमने एक छोटा सा ऑडिशन रखा था और तो बहुत सारे लड़के लड़कियां, कुछ वृद्ध सब आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। और आज मैं आपको ऐसे डायरेक्टर से मिलवाता हूं कि जो एक्टर जो है ना, एक्टर काम ढंग से नहीं कर रहे थे तो उन्होंने खुद ही मैदान में कूद गए और आज उनका म्यूज़िक लॉन्च हुआ है मुंबई के एक अच्छे से होटल के अंदर। तो मिलवा देता हूँ, धीरज जी आज हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, ये दर्शक देख रही हैं आपको और आपको मुबारकबाद मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी अब जो है म्यूज़िक जो है ये जंक्शन वाराणसी, ये आज आपका इसका म्यूज़िक जो है आपने इसका रिलीज़ किया। अभी अमीषा पटेल जिनकी हमने गदर उधर देखी थी, तो कैसा लग रहा पहले? अमीषा पटेल जी का जैसे ही नाम आता है तो बैकग्राउंड में एक गाना बजता है, कहो ना प्यार है। तो खैर ये सौभाग्य रहा हमारा कि वो हमारी म्यूज़िक लॉन्च पे आई, तो इनके लिए इस उनके इस आगमन पर मैं उनका आभारी रहूँगा, शुक्रगुजार रहूँगा। और बहुत अच्छा लगा वो आई और हौसला अफजाई की उन्होंने, उत्साहवर्धन किया हमारा। चलिए सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे ज़रा ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्टर भी आप हैं और जो है इसकी जो है राइटर भी आप हैं, तो मुझे चार लोगों को ढूंढना नहीं पड़ा, एक ही व्यक्ति से बात कर लिए, सारी चीज़ें निकल के आ गई। और आपकी एक्टिंग भी बड़ी दमदार जो है पर्दे पर दिखाई दी जैसा हमने देखा, तो ये क्या जरूरत आ गई? ऐसा लग रहा था कि कोई आपको आपके कैरेक्टर का व्यक्ति नहीं मिल रहा था, आपने कहा भैया मैं ही कूद जाता हूँ, क्यों? देखिए वो जो एक कैरेक्टर था प्रेम, जो मानसिक रूप से विकलांग है, बाल्यावस्था में सिर पे उसके चोट लगती है, चोट लगने के बाद उसके सोचने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, परिणाम क्या होगा ये वो सोच नहीं पाता, क्योंकि वो पागल नहीं है। पूरी फिल्म में देखिए, आपने एक ट्रेलर भी देखा होगा कि वो कह रहे कि मतलब बचपन में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एक पेच दिमाग का गिर गया है, तो दिमाग थोड़ा हल्का हो गया लेकिन पागल नहीं है। तो वो कह रहा है बार बार कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वो एक भ्रांतियाँ होती है ना गांव में कि जैसे कोई लड़का शैतान है और कुछ उद्दंड है और उसने कुछ उद्दंडता की है, तो लोग उसको उसकी संज्ञा पागल से जोड़ देते हैं जी, कि पागल हो गया, तो ये वैसा ही पागल है जी। तो मतलब उसको आपने ही उसको जो है क्लियर किया है, मतलब आपने कहा कि भैया मैं क्लियर कर सकता हूँ? नहीं, कई बार कोशिश की गई, कई बार ऑडिशंस भी लिए गए और बहुत सारे कलाकारों को बुलाया भी गया और उनको परफॉर्म करके दिखाता भी था कि मुझे ऐसा किरदार चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि डायरेक्शन और साथ में एक्टिंग ये दो बड़ी जिम्मेदारी है, शायद मैं सही तरीके से निर्वहन ना कर सकूं। लेकिन अंततः फिर मेरे प्रोड्यूसर और सबकी इच्छा थी कि मैं ये परफॉर्म करूँ और परफॉर्म किया। नहीं, लिखा था पर्दे पे आप जो दिख रहा है भाई साहब, अगर आपको लगता है कि सर की एक्टिंग देखनी हो तो YouTube पे दिख जाएगा ना सबको, सारे टीजर और ट्रेलर YouTube पे दिख जाएगा। चलिए सर, आपने छोटा सा जो है उत्तर दिया उसमें सवाल आया सर, मैं थोड़ा सा हटके सवाल करता हूँ, मेरे दर्शक हमेशा ये सोचते हैं, अब यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि हर कोई चाहता है, सर आपने भी एक्टिंग कर ली तो बहुत सारे दर्शक एक्टिंग करना चाहते हैं और उनको डायरेक्टर से मुलाकात नहीं होती है, ये बड़ा बीच का गैप है, ये कैसे आप कैसे एक किसी अच्छे के इतने लोग हैं, आपको पूरा वाराणसी दिखाना था, गांव दिखाना था, बहुत सारे एक्टर आपको मिल गए, कैसे चुनते हैं, कैसे हैं इसको, कैसे ये श्रृंखला कैसे आप तैयार करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला क्या है? देखिए कहते हैं ना कि वो कलाकार और मूर्ख ये बनाए नहीं जाते, बन के पैदा होते जी। तो वाराणसी भी जब हम लोग गए थे, क्योंकि मुझे पता था कि सारी स्टार कास्ट मुंबई से बनारस तक ले जाना, उनका रख रखाव ठहराना थोड़ा सा टफ होता, बहुत बड़ा एक चैलेंज था ये। तो बनारस से हमने कई ऐसे एक्टर्स को अपनी फिल्म में कास्ट किया, तो हमने एक छोटा सा ऑडिशन रखा था और तो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, कुछ वृद्ध सब आए, सब ने अपने कला का प्रदर्शन किया और सब ने कहा कि मैं फलाने ग्रुप से हूँ, फलाने थिएटर से हूँ, मैं इनसे एक्टिंग सीख रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि एक्टिंग जो है वो कोई ऐसा विद्यालय नहीं है, कोई ऐसा गुरुकुल नहीं है जो किसी को एक्टिंग सिखा दे। चलिए, इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ घोषणा, एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं मेरे हिसाब से, तो वह इन्फॉर्मेशन दिया है कि आप बनारस में हो, उत्तर प्रदेश में हो, तो आपको वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे धीरज जी ने जो बताया है कि ये मुंबई से ज़्यादा ऑडिशन नहीं किया आपने,
ये एकदम मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भैया आपने धीरज जी जो आपने वहाँ से ऑडिशन लिए वो ऑडिशन बनारस से जो है आपने किया, तो बनारस वाले को खुशखबरी हो गई, क्या जरूरत है मुंबई आने की, भाई वहीं से कर लीजिए। आपने भी अच्छा काम किया सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई कि आपने बनारस की जनता को लिया और उनको जो है आगे बढ़ने का मौका दिया सर। नहीं, ये ज़रूरी भी होता है कि जैसे कई बार जैसे मैं महत्वाकांक्षी था, मुझमें त्याग करने की क्षमता थी और शायद पारिवारिक स्थिति मेरी ऐसी रही होगी कि मैं अपना घर परिवार छोड़कर के मुंबई आ पाया। बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति नहीं रहती, नहीं रहती बिल्कुल, वो घर छोड़ के नहीं आ सकते, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं या फिर उनका अल्टरनेट घर पे कोई नहीं होता कि माँ बाप की इकलौती संतान है, वो अगर छोड़ के मुंबई आ जाएँ तो उनके पीछे उनके माता पिता का क्या होगा जी। तो ऐसे जो महत्वाकांक्षी जो हमारे मित्रगण हैं उनसे इतनी ही विनती करूँगा कि न शिव न हरि, माता पिता सर्वोपरि, सबसे पहले उनका ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद रहा तो जरूर। बहुत बहुत सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक लास्ट सवाल ये कहूँगा सर कि अगला प्रोजेक्ट कब तैयार है, तो ये तो रिलीज है, ये तो आपने छोड़ दिया, अब तो ये तो चलना ही है और बड़ी कमाल का जो है ये धमाकेदार अभी सारी चीज़ें हमने देखी, अगला प्रोजेक्ट का वो फिर क्या बनारस है कुछ और है इसमें? पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जी। और अभी मुझे खुद को प्रमाणित करना बाकी है, 18 अक्टूबर को प्रमाणित हो जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ या मुझ में कितनी कुव्वत है, कितनी काबिलियत है। तो जब तक वो काबिलियत मेरी साबित ना हो जाए तो कुछ भी कहना वो जी। देखिए कितनी कितनी मतलब सालिनता से कह रहे हैं कि मैं खुद भी एक्टिंग किया हूँ, खुद भी अपने आप को भी ये एक चैलेंजिंग मानते हैं कि आने वाली 18 तारीख को एक परिणाम परीक्षा दे चुके हैं, उसका जो रिजल्ट आना बाकी है। तो सर एक बिल्कुल अंतिम सवाल, मुझे मालूम है सर आप बिल्कुल पूछ लीजिए सर, मेरे पास समय ही समय है। मैं ये पूछा था सर कि अब जो चुनाव करेंगे आप कैसे चुनाव करेंगे एक्टरों का? मैं एक्टर के लिए थोड़ा सा हूँ कि वो लड़के लोग डर जाते हैं, कहते हैं कि डायरेक्टर से हम कैसे मिले कि क्या। देखो मैंने आज आपके सामने लाया हूँ ना, तो ये लोग सोच रहे हैं कि बड़े सांता से खड़े हैं, बड़े मतलब वैसा डायरेक्टर माने एक हुआ समझ लेते हैं, काट में खाने वाला वैसा नहीं। डायरेक्टर भी इंसान होता है और जो ज़मीन से जुड़ा नहीं वो इंसान ही नहीं, पहली बात हुई। और कई बार क्या होता है, खुमारी जो एक चीज़ होती है, शब्द होते हैं कि खुमारी कई बार लोगों के सिर चढ़ के बोलती है, तो जो गुणी होगा वो ज़मीन से जुड़ा होगा क्योंकि वो जो करंट है ना वो भूमंडल से माता धरती से ही मिलता है, तो जो उस करंट को नहीं ले पा रहा है तो वो इंसान नहीं है। और परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, आज जो डायरेक्टर खुद को बहुत गुमान में देख रहा है कल को वो भी नया था, बिल्कुल बिल्कुल, उसे भी प्रताड़ित किया होगा कहीं ना कहीं और उसने शायद वही खुन्नस वो नए कलाकारों से निकालता होगा। तो आपसे कैसे मिले? मैं आपसे मुझसे मिलना बहुत आसान है, लेकिन हाँ मैं भी उन्हीं को प्रश्रय देता हूँ जो अपनी मदद खुद करते हैं। मेरे पास ऐसे कई लड़के लड़कियाँ हैं मेरे फेसबुक पर मैसेज करते हैं कि भैया मुझे एक्टर बनना है सर, मुझे एक्टर बनना है, मुंबई आना है। और तो उनसे फिर मैं कहता हूँ आ जाओ भाई मुंबई, कौन से मेरे चाचा की मुंबई है, कोई भी आ सकता है मुंबई जी, लेकिन उनको घर बैठे ही काम चाहिए कि आप कोई फिल्म हमें दिला दीजिए, नहीं नहीं नहीं, कहीं रहने की व्यवस्था करवा दीजिए। तो ऐसे काम चोर टाइप के निकृष्ट कलाकारों से विनती है कि वो अपने घर ही रहें और पलंग तोड़े रोटी तोड़े माँ बाप का नाम रोशन जी। तो इन्होंने साफ शब्दों में बता दिया है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और अपने हुनर को दिखाना पड़ेगा। तो धीरज जी बहुत बहुत स्वागत आपका कि आप हमारे चैनल पे आए और इतनी सारी चीज़ों को बताया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। So here is the prime moment of the day, and here we are releasing the awesome. For this credit goes to our music directors Shushant ji, Shankar ji. और वो गाने से जैसे मैं देख रही हूँ, जैसे मुझे पता चलता है, correct me if I'm wrong, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ add करने के लिए add किए गए हैं, लेकिन कहानी को ये गाने actually टेक फॉरवर्ड करता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड अ वेरी पॉजिटिव फॉर द फिल्म व्हेन योर सॉन्ग्स पुश द स्टोरी फॉरवर्ड एंड इज नॉट देयर कि बस सीक्वेंस है तो लगा दी, करेक्ट? सो सेंसिबल एंड ऑब्वियसली ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक। सो फ्रॉम व्हाट आई कुड मेक आउट इट ऑब्वियसली गेट्स अ थम्स अप। ओके सो यहां से थम्स अप को मिल गया है। वेलकम नीश जी, आपकी ये पहली मूवी है एज अ प्रोड्यूसर, आप प्लीज कुछ कहना चाहेंगे?
तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो यार जरूर लाइक दे के जाइएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसके जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।